चलो अबे दम थोड़ा प्रोफेशनल नेक्स्ट अभी आगे वीडियो फॉर सेकंड एप्लीकेशन दैट इज टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमम मिनिमम खाली नाटक है नाम है खाली मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऐसे और अभी आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं वी गो वन स्टेप फर्दर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन मान लो वन सेकेंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट व्हाट इज रिटन हियर व्हेन आई से वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स कि वाई जो भी होगा वो किसके फॉर्म में होगा एक्स y का जो भी इक्वेशन होगा किसके फॉर्म में होगा x तो जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा सो नाउ मुझे y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्ट है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जैसे अगर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो उसका स्लोप मुझे क्या देने वाला वेलोसिटी ना और मैंने बताया था जब भी कर्व होता है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम आता है कि अलग अलग तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आएगा क्या अलग अलग सो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज डिफरेंट तो अगर अलग अलग है हर एक पॉइंट पे तो कोई तो ऐसा वैल्यू होगा ना मैक्सिमम होगा और कोई तो वैल्यू होगा ना मिनिमम होगा है ना 10 वैल्यू वेलोसिटी का अलग और अलग अलग है ना तो कोई होगा जो सबसे बड़ा कोई होगा सबसे छोटा मैक्सिमम है मिनिमम सो आई वांट टू फाइंड आउट कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या था वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या था बहुत सारे क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन अभी डिफरेंशिएशन को ना और एक स्टेप फर्दर लेके आते हैं हम यूज करते हैं डबल डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा कुछ सुनने से कुछ अलग नहीं है वो डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक एक बार के यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करना सेम ही फंक्शन को आप कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो दो बार सो हाउ डू आई फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम तो सबसे पहले मैं डबल डिफरेंशिएशन लेता हूँ डबल डिफरेंशिएशन को देखो ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसका मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना टेकन हाउ मेनी टाइम्स टू टाइम्स तो डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मान लो आपने ये निकाला वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव निकाला वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये वैल्यू लेस देन जीरो आया ये वैल्यू कैसा आ रहा है less than zero. If this is less than zero, तो आप यहां पे जो भी y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगा मतलब जब आप y का वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे तो y का आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है ये और ये मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा उसको जीरो से कंपेयर करें उसको जीरो से सो dy by dx will be equal to zero dy by dx will be equal to what zero dy by dx will be compared to what zero रीजन क्या बताऊंगा सो कंडीशन समझा आपको कि आपको सबसे पहले अगर ऐसा बोला होगा कि सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम मिनिमम जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा आप उसका डबल डेरिवेटिव लेते हो अगर वो लेस देन जीरो आता है मतलब वो फंक्शन कैसे जाएगा मैक्सिमम पे जाएगा और अगर डबल डेरिवेटिव लिया और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो तो वाई का कैसे वैल्यू आएगा आपको वाई का मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्लियर है ये अभी आप ऐसा बोल सकते हो सर कर्व जो है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी जो हो सकते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाई मैक्सिमम है कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाई मिनिमम है तो फिर कैसे पता चलेगा तो वो फंक्शन जो होगा इक्वेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा जिसमें ना दोनों पॉसिबिलिटी होगा कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप ये भी अचीव करोगे कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप ये भी अचीव करोगे जो कंडीशन पे ये अचीव करोगे उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा जो कंडीशन पे अभी अचीव करोगे उसका मिनिमम वैल्यू करेंगे हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं समझ में आ रहा है ये पर मोटा मोटा समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ
और ये मिनिमम वैल्यू आप कैसे मालूम करते हो? डीवाई बाई डी एक्स को क्या लेंगे? जीरो। हेलो हमें आ रही है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, ध्यान देना है बहुत। फर्स्ट इज इफ आई से y is फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन y is what? 4x minus x square. So they are telling us to find minimum or maximum value of y. Hello. चलो differentiate किया अगर इसको, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा, क्या करेगा डबल डेरिवेटिव ना। चलो पहला डिफरेंशिएशन लिया dy by dx, तो क्या आएगा 4 dy by dx of x ना, माइनस dy by dx of x की, बराबर है। तो बोलो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 4 minus 2x, समझता है। ये मिल गया आपको dy by dx, पर आपको क्या चाहिए, क्या आएगा इसका, क्या आएगा जीरो, कितना आएगा बराबर है। बोलो जो वैल्यू आ रहा है इट इज लेस देन जीरो। आपको वाई का कौन सा वैल्यू मिलने वाला है, क्लियर है ये? हेलो सो अभी कैसे मिलेगा वो आपको, उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंपेयर करना है जिससे जीरो से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, तो 4 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो 4 इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या है? और बोलो अगर x का वैल्यू 2 है इसका मतलब क्या है, कि x इक्वल टू 2 पे y कैसा होगा, मैक्सिमम। तो x का वैल्यू मिला है ना आपको, किसका चाहिए y का, सब्स्टिट्यूट दिस x इन दिस इक्वेशन, तो बोलो y क्या हो जाएगा 4 into 2, तो y कितना आएगा, बोले y इक्वल टू 4 इसका कैसा वैल्यू है, हेलो समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू पे y इक्वल टू 4 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y, ये सॉर्ट हो, थोड़ा सा ग्राफिकली बताया इसको, देखो ऐसा हो, अभी वो इक्वेशन का कर्व नहीं बता रहा मैं, आई एम जस्ट शोइंग यू द इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो देखो ऐसा है कुछ कर्व, ऐसा है लाइक दिस, तो बोलो इधर x का वैल्यू क्या है 2 और y कैसा है मैक्सिमम ना, फिर y इक्वल टू व्हाट 4 बराबर है, y का वैल्यू क्या है 4। अब देखो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है, dy by dx को किसे कंपेयर करना पड़ता है, 0 सी y है। बोले इफ आई वांट टू फाइंड आउट स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस पॉइंट, तो पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, ऐसा दिख रहा है टेंजेंट, बोले टेंजेंट x इसको कैसा है पैरेलल, तो इसके dy by dx का वैल्यू क्या आएगा, स्लोप जीरो ना, हेलो तो dy by dx क्या है, तो जो पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होता है वहां पे स्लोप जीरो होता है, वहाँ पर स्लोप क्या होता है, सारी एबल टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, जीरो। इसलिए हम डिवाइड बाय डीएस को किससे कंपेयर करते हैं, जीरो से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ इट वर्क्स, फाइन पक्का? चलो ये नोट डाउन करने के बाद आप ये वाला एग्जाम्पल को देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई।
हेलो चलो सेकंड वाला आया गया हाँ क्या आया आंसर 16 कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया दो बार ना तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है ना और 16 इज द रॉन्ग आंसर कैसा ऐसा ही प्लस 16 माइनस 16 दोनों पॉसिबल वैल्यूज के मैक्सिमम है 16 हां मिनिमम फाइंड आउट ही लिखिए तेल लगाया है वो आप लोग और मिनिमम आएगा कैसे हम गए थे स्कूल में ऐसा बोला जाता था कि जब भी कोई भी फंक्शन होता है कोई भी एक फंक्शन दूसरे पर डिपेंड होता है ना तो जब भी उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दे रहा हूँ और क्यूब रूट का ऑड वाले का या तो प्लस या तो माइनस
चलो एडमिशन करवा देते हैं। ये प्रॉब्लम फिजिक्स फिजिक्स आने का नहीं होता है भाई, प्रॉब्लम भाई मैथ्स के लोग है। क्या फिजिक्स समझ में आया था? हम लोग सर्वर फोड़ के पढ़ा लेते हैं ना कैसे। हंसते इधर ही आप लोग, एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस टू होगा। सो यू हैव टू केसेस। अभी माइनस सिक्स एक्स आ रहा है इधर इधर, वो क्वेश्चन एक्स का वैल्यू तो कुछ भी पॉसिबल है ना। माइनस टू हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस टू है। हाउ इज दिस वैलिड? अगर वो वेरिएबल है तो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, प्लस माइनस डेसिमल स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो हाउ डू यू राइट इट इज डायरेक्टली मैक्सिमम? दफा दफ सबने वही लिखा है। देखो जब आप देखो ऐसा फंक्शन था, ऐसा ऐसा ग्राफ है, अगर आपका कर्व ऐसा है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर वैल्यू इज मिनिमम ना, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वैल्यू इज, एंड डेफिनेटली एक्स विल हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ना। तो दोनों पॉसिबल है, कर्व ऐसा भी हो सकता है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अचीव कर रहा है, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू होगा। तो देखो अभी कैसे होगा, देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पे, ध्यान दे रहा हूं बोर्ड अभी, ये सब छोटी-छोटी चीजें सीखनी होती। सो क्लियर है ये? सी नाउ हाउ डू आई प्रोसीड? व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, सो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3x स्क्वायर। अभी आई होप डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया है। कितना होगा? माइनस सिक्स एक्स। अरे माइनस सिक्स एक्स लिख के इसको कंपेयर नहीं कर सकते आपके लेस देन जीरो के ग्रेटर देन जीरो। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज स्टिल अ वेरिएबल ऑफ x ना। x कैन बी एनीथिंग, माइनस प्लस है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसका दोनों पॉसिबिलिटी है, ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है या ना। तो अभी आगे क्या करने का? अभी पॉसिबिलिटी ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा? अभी हमने अभी सीखा कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो आई विल कंपेयर dy / dx टू व्हाट? 0। इधर क्या होगा? 0। 12 माइनस 3x स्क्वायर, तो 12 क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या है? 4। सही है। तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 प्लस माइनस 2 बराबर है। तो अभी देयर आर टू पॉसिबल केसेस ना, x कैन बी 2 एंड x कैन बी -2। सही है। तो बोलो x, if x is 2, then can I say d square y upon dx square is minus 12 na? Now this is going to give me what? Maximum value. So y is going to be maximum here. Clear hai? Aur y ka maximum value kidhar hoga? X equal to 2 pe na? So if I substitute here y, so 12 into 2 minus kya hai? 2 cube. तो कितना होगा? 16। यही आ रहा था ना, पर आपने x इक्वल टू 2 डायरेक्टली ले लिया, ऐसा नहीं है। इधर भी पॉसिबिलिटी है, यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉसिबिलिटी। तो अभी d स्क्वायर / dx स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 12 ना, बराबर लिखा है। हेलो, तो नाउ d स्क्वायर / dx स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। y कैसा होगा? मिनिमम। y इज इक्वल टू क्या? 12 * -2। माइनस टू का ये हो जाएगा माइनस, और माइनस टू का क्यूब ना, चलिए होगा माइनस 24। कितना आएगा? दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये सॉरी मैक्सिमम है, मिनिमम क्लियर है? ये दिस इज व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। फाइन, चलो हर फंक्शन को घर पे करना हो आराम से, मस्त है खाना वाना खाके। y is equal to 6x raised to 4 minus चलो ठीक है, 6x raised to 4 minus 8x, ये सब घर पे आके कर लेना, ठीक है? क्या आएगा देख लेना अच्छे से, झगड़ा कर मैं क्वेश्चन के साथ। इसलिए कभी मैच ड्रॉप नहीं करने का, क्या था ना 11th 12th में मैथ्स नहीं सीखा तो क्या लाइफ में पढ़ाई की? रीजन फॉर टीचिंग फिजिक्स इन सो डिटेल वो मैथमेटिक्स ही है, समझता है? मैथ्स बताया ना, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ा पहले, तो मेरे को पता चला बहुत सारे मैथ्स के टीचर है मार्केट में,
कुछ अलग करते तब मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिजिक्स के टीचर कम थे और अभी भी कम ही है और जो है वो कम जैसे ही है। कौन हो रहा है? पता नहीं पड़ता, ऐसे लोग गाली देते हैं, बहुत ही दिख रहा नहीं, पर बिल्डिंग में ढेर है। चलो आगे नाम मत दो भाई, ठीक है डन। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन क्लियर है। तो अभी कुछ दो चार और क्वेश्चन करते हैं, एक तो क्या काम करते हो आप लोग, इसका क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ चुके हैं, और डिस्कशन करते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नीट में जेई में इस बार का पेपर कितना आया, फिजिक्स में कितना आया गदी का, कल के पेपर पूछ रहा हूँ, नीट हो गया ना अभी, कितनी बार पूछूंगे वो वापस जब उसमें जाओगे आप डिप्रेशन में, क्या रोज रोज पूछ के दिमाग खराब करते रहते हो। कितना आया? 115। क्यों 115 इतना कम? कवर नहीं हुआ। क्या कवर नहीं हुआ? बिल्डिंग भी पेपर था क्या? थोड़ा मतलब क्या पेपर का साइज बढ़ाया था, थोड़ा क्या होता है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा आपको कितना आया इसमें? 162। काउंट ही नहीं किया, देख लेते ना है हमारे पास रिजल्ट, इधर ही है, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो एग्जाम का, टेंशन तो हमको होना चाहिए, सबसे कम ही होगा इसका काउंट नहीं किया ना, 150-200 होता तो बराबर पूरा का पूरे का हो जाएगा, तो घुमा होता नहीं। क्या नाम है तेरा? श्रेयस। सावंत कितना आ रहा है? 29। एक आग बन के गुप्पा मारा था क्या? ये चार पांच राइट फिर गए, पढ़ाई कर भाई। तो इसमें हाईएस्ट कितना है? 161, 162, 150, 138, 151। क्यों इतना कम सबको स्कोर? लास्ट अटेम्प्ट करते हो ना फिजिक्स पहले, कम क्यों आया फिर? पेपर हार्ड था? नहीं, फिर ज्यादा हार्ड था? बहुत इजी था सर, कौन ये चिंदी पेपर सॉल्व करेगा सर? पहली बात तो आपके दिमाग से निकाल दो कि मिस्टेक्स कभी सीरियस नहीं होते, समझ में आ रहा है? मैं गटर बिगड़ के दरिए में लगने को आ रही है ना पानी, ये सॉर नो, या तो गंदा होगा तो अच्छा होगा बराबर ना, क्लियर है? कुत्ते के दुम पे पैर रुके मुंह पे काटने तो वाला ही है, इसीलिए मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स, पहले तो ये एक्सेप्ट करो, प्लस माइनस में मिस्टेक करते हो उसका मार्क्स जा रहा है, मतलब इट इज अ मिस्टेक जो आपको सीखना पड़ेगा कि प्लस माइनस भी कैसे करते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू नर्वसनेस बराबर ना। आपके पेपर में इस बार जितने भी क्वेश्चन थे सब JEE के PYQ थे, ये सब JEE एग्जामिनेशन आ चुके हैं 2022 में 21 में, समझ में आ रहा है? ये सब मिथ होता है, पहली बार तो नीट में ऐसा पूछता ना, JEE में वैसा पूछता ना, बोला कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप कुछ अलग तरीके से लेते हो, ऐसा होता नहीं, समझ में आ रहा है? ये बुक सॉल्व करो क्या, वो बुक सॉल्व करो, ये फलाना करो, और ढिंका करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपको बोल के डाला होता ना कि JEE के PYQ करो तो भागे होते हैं यहाँ से, JEE से तो नीट किया था, बिना बोले था तो सब जम जाता ना। तो इट डजंट मैटर व्हाट एग्जामिनेशन यू आर गिविंग, हर चीज़ के लिए अलग प्रिपरेशन ही लगता है, आपके कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जामिनेशन, समझ में आ रहा है? आपका जो भी पेपर होता है उसमें 35-40% ऑफ द क्वेश्चन था PYQ था, ये मैं बोल चुका, नेक्स्ट टाइम डालूंगा नहीं होगा बराबर ना, क्या हो गया तृप्ति? अच्छा सड़ा हूँ क्यों बनाया हूँ, हाँ क्या देख लिया? चलो ध्यान देना भी आप, हो गया ये, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आओ, ये और क्वेश्चन देखना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो अभी भाई, बस हो गया 29 मार्क्स, ये क्या मार्क्स है?
क्या हो गया था, क्या बात है, सोच रहे हो मन में क्या बोल रही हो? पढ़ाई नहीं किया, वाओ बेशर्म भी हो चुके, मतलब बहाना तो छोड़ो, पढ़ाई नहीं किया तो अभी रिवाइज नहीं किया, रिवाइज नहीं किया पढ़ाई नहीं किया, एक ही होना समझा मेरे को, इंग्लिश आता है इसके बाद कितना आया था 180 फिर तो बस हो गया ना 110 एक बार लाया ना सर बार बार तो घर वालों को डाउट होता फुल मार्क्स ये तो नहीं कर रहे बाप रे ना चलो नेक्स्ट आगे पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रात में दोस्त की तरह दादी माँ श्रेया साक्षी तो सब चार पांच नाम ले लिया है शामिल वालों ने बॉन्डेड घुमाते बच्चे का नाम क्या है श्रुति साक्षी श्रावणी शर्वरी यही है बस पांच नाम मिले सांगली के नहीं हो ना ये तो बोल रहा हूँ अब आर्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम पी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू PQ S is equal to T cube minus E cube E cube बोलो तो क्या लिख रहे हैं This is the function given to you. S is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. The velocity when आगे लिखना the velocity when the acceleration is 0 is. The velocity when the acceleration is 0 is. Integration derivative थोड़ा detail में बता रहा हूँ मैं. उसे बहुत सारे chapter में use होता है. चलो फटाफट solve करेंगे question. The velocity when the acceleration S zero is. Once again, I have repeated a particle moves along a straight line with the displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. The velocity when the acceleration is zero is. Chalo, what are solve kare hain? अरे कलर वलर निकालने में इन लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं यार मेरे दोस्त ना बहुत नाटक है ये देखो पेंसिल निकाल रहे हैं ये देखो एक पेन है जब तक चल रही है तब तक पढ़ाई चल रही है पढ़ाई दिन की समाप्ति भी ऐसी होती है वो पेन खत्म हो जाए नहीं करूँगा मैं तो दूसरे दिन आए ये किसी से पेन मिला तो मिला आगे का पढ़ाई हो क्या बोलते हैं वो तो कितना है टेस्ट में नाम क्या तेरा केतन केतन क्या हाँ तो कहाँ जी मजे सर ने उन्हें घूमते हो तुम लोग नाम तो कोई खर्चा ही नहीं करता पूरा सर ने पे कर दिया यार केतन क्या क्या है 400 मार्क फिजिक्स में आ रहा है केमिस्ट्री में कभी बायो पढ़ते हो क्या मार्क्स क्यों कमा रहे हैं लास्ट में तो मारा गया था मैं बाहर गया था सर्टिफिकेट बना लिया था ये क्या था वो क्या था ये भी क्या बात है नहीं पढ़ा क्यों ना थोड़ा वक्त किया था कब होगा पूरा पूरा कब होगा अब भी बहाना दे रहे हो तेरे को इतना कम क्या है क्या टाइम हो रहा है सर हॉस्पिटल में गई थी अपॉइंटमेंट के लिए सुबह सर को बोल के गई मेरे को बोला था क्या नहीं ना सर आप क्लास में थे अभी सुबह सर का लेक्चर चालू होता है जाके बैठो सर आपका क्लास चालू था बैठो मस्ती कर रहा हूं मस्ती करने का टाइम को तो मेरे को क्या है सर माइनस का
अपना नाम क्या, नाम बोलिए आर्या, आर्या एक और नाम कॉमन आर्या, आर्या रोड पे खड़े होकर चिल्लाओ तो 20-30 लोग तो हाथ उठाएंगे, क्या मेरे से बात करो, मैं आर्या आपको कितना है मार्क्स, -3 फिजिक्स में नहीं पूछ रहा ओवरऑल, 5-7 5-65 मैं इधर 5-55 10 मार्क कम होगी, 5-55 का नंबर है, शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर है, ओपन फायर घोड़ा बात का 5-55 ये ताश पाश खिला देगा अगर 5-55 क्या नंबर कॉल करने का घोड़ा के का नंबर ले पर 5-5-5 चलो हो गया आंसर आया, -9 आया सबको, आज ही लाना है अपने को, 7 महीने में कोर्स खत्म करना है भाई, 2 साल के लिए नहीं ज्वाइन किया वापस, चलो ध्यान देना भी यहाँ पे, हेलो ऑन द बोर्ड बोलो एस इज इक्वल टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ना, बोलो इसको डिफरेंशिएट क्या तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू तो बोलो क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस 0 ना, और इसको और एक बार डिफरेंशिएट क्या मिलेगा एक्सेलरेशन व्हिच इज 60 खत्म। अब आपको बोला है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो, तो एक्सेलरेशन 0 होने का कोई ना कोई तो टाइम होगा ना, सो आई सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन इज व्हाट 0, तो 0 60 माइनस 12 बोलो तो 60 क्या हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आएगा, सुन आ रहे हेलो बराबर है, तो t का वैल्यू होता है 2। चलो नेक्स्ट इज बट t इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया अगर किसमें, हमको वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी इक्वेशन वाला वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है 3 3t स्क्वायर माइनस 20, तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी 3 इनटू बोलो t का वैल्यू कितना है 2, कितना है 3 इनटू 4 12 माइनस 24 प्लस 3 तो भी कितना आएगा माइनस 9, या तो ये लेफ्ट पे जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है ना, माइनस साइन इंडिकेट व्हाट डायरेक्शन बराबर है, चलो क्लियर है ये, दिस इज द आंसर पक्का। चलो और एक क्वेश्चन देखो, राइट डाउन लिखना, अ पार्टिकल मूविंग एट डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी, अ पार्टिकल मूविंग एट डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स इक्वल टू टी प्लस 5 एक्स इक्वल टू टी प्लस 5 raise to minus 1, equation is x is equal to t plus 5 raise to minus 1, the acceleration of particle is proportional to, the acceleration of particle is proportional to, अभी देखो इसका option देखो ऐसा है, ऑप्शन लिख लेना, ए इज वेलोसिटी रेज टू 3/2,
B is distance square. C is distance raised to minus 2. And D is velocity raised to 2 by 3. चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना। चलो हो गया भाई, कुछ पहुंचा आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, पहुंच जाओ यार, समाप्त करो। कम ऑन, थ्री डेज टू वेरी गुड नाइस। बाकी सब लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं सर? ओपन कर दिया ब्रैकेट, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन इसी को लो ना अभी, टी प्लस फाइव रेस टू टू को ऊपर ले लो वापस, तो टी प्लस फाइव रेस टू माइनस टू, तो एक बिकम्स अ कंपोजिट फंक्शन ना, तो हो गया ना अभी क्यू हो जाएगा वो इतना सब सब बड़ा वो एक्सपांड एक्सपांड करके बढ़ गया। इधर देखो भाई, इधर देखो, आ जाओ करू खेर कू बोले। इक्वेशन क्या है? आवाज तो यही है, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? अरे सॉरी, पहले तो इक्वेशन देख लो भाई, बराबर है तो बोलो बी क्या होगा, डी एक्स बाय, बराबर ना? ऐसा भी देख लो। अब ए यार क्या इधर चल रहा है? इधर देखो, डी एक्स बाई डी टी बराबर है, तो डी एक्स बाई डी टी लिया मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं,
1 upon t plus 5. Original function क्या है? 1 by x था, d by dx को 1 by x, that is d by dt or 1 by t. जो होता है minus 1 by t square, minus 1 by x square, ना hello? But ये original function है कि standard है कि non-standard? मतलब ये composite हो गया ना? मतलब पहले इसका differentiation होगा, पूरे का, फिर किसका होगा इसका? यार, समझा? नहीं. देखो, इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन सारे याद होने चाहिए, कंपेयर करने आना चाहिए. स्टैंडर्ड फंक्शन क्या इधर लिख देता हूं, थोड़ा समझेगा. देखो आपको d by dt of 1 by t is a standard function. X क्या पे t आया, मतलब नहीं है उसको कुछ, वो वेरिएबल से. ठीक है, आता है माइनस 1 by t square. बट ये t है कि t plus 5 है? स्टैंडर्ड के नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड. कंपोजिट फंक्शन तो पहले ये डिफरेंशिएट होगा, फिर कौन ये ना? You remember dy by du into du by dy by du into du by dx बराबर है? सही बोल रहा हूँ मैं? तो देखो ऐसा पहले ये डिफरेंशिएट हुआ, नहीं समझा? तो d इसको डिफरेंशिएट किया पहले, तो 1 upon t का क्या था? माइनस 1 by t square. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस t into d by dt of t plus 5 अंदर वाले का. तो t plus 5 का बोलो क्या होगा? 1 ही आएगा ना. 5 का क्या? 0. t का क्या? 1. तो अल्टीमेटली यही आ रहा ना. हेलो, क्या बोलोगे आगे? सही है ये? अभी इसको ऐसा ले लिया, बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा? v को ऐसा ले लिया, ये v है. अभी इसको डिफरेंशिएट किया, a is dv by dt है ना? तो देखो d by dt of हेलो माइनस को बाहर ले लो, बता रहा हूं देखो फिर से. कैन आई से दिस इज सिमिलर टू x रेस टू n ना? मतलब t रेस टू n, जहां पे n का वैल्यू माइनस 2 है. But t is a standard function, na? But what do we have? T or t plus 5? T plus 5. So once again, this is standard function or composite? Composite. So पहले कौन differentiate हुआ है पूरा? फिर कौन अंदर वाला? ले यार, नहीं समझा? तो पहले इसका derivative लिया, t plus 5 raised to minus 2, जो किसके similar है? X raised to n, which is n into x raised to. तो बोलो minus 2 आगे आएगा? फिर ये डिफरेंशिएट होगा, t plus 5 रेस टू माइनस 2 माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 3 ना. फिर किसका d by dt आएगा? बोलो बोलो, t plus 5 अंदर वाले का. अब फिर क्या हो जाएगा? t plus 5 का क्या हो जाएगा? 1. अभी तो 1 हो गया ना, तो कांस्टेंट क्या आ गया? तो अभी आगे डेरिवेशन करने का, डेरिवेटिव्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फंक्शन नहीं बचा, बराबर है? तो दिस इज 1 नाउ. तो बोलो a का वैल्यू क्या आ रहा है? ऐसा रही माइनस 2 अपॉन टी प्लस 5 द होल क्यूब. हेलो, अभी आगे क्या करो? बोलो, हाँ कुछ बता सकते हैं कोई? व्हाट शुड आई डू आगे? देखो अभी इधर दिखता है, इधर किधर गया? बी इज व्हाट? माइनस. अभी देखो ये इक्वल टू का साइन क्या आएगा? तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी ना. सो v इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 रेस का स्क्वायर ना. हेलो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं t प्लस 5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v. हेलो, बराबर है? तो t प्लस 5 क्या लिख सकता हूं? रूट v. तो a क्या हो जाएगा? तो a will be inversely proportional to what? 3/2 v raised to 3/2 है ना? क्लियर है ये? पक्का? एक सेकंड ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो इनवर्स है ना ऑलरेडी, t plus 5 is inversely proportional to root v ना, तो 1 by root v आएगा, बराबर है? सही है? तो फिर रूट भी कहाँ जाएगा?
तो दिस विल बी ए इज प्रोपोर्शनल टू v रेस टू 3 बाय क्लियर है ये समझा ना ये इधर इनवर्स है तो इधर कैसे हो जाएगा डायरेक्ट क्योंकि इनवर्स का इनवर्स डायरेक्ट तो a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट v रेस टू 3 बाय अच्छा क्वेश्चन है ये समझा कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं हां परवाल कैन आई समझा समझा नोट डाउन करना है अगर डाउट है तो पूछ लेना किसी को भी ऐसा समझ रहा है केतन हाँ तुम आगे बैठा करो गायब हो जाओ कभी उधर से साथ ना एंटोल देखते हो कि नहीं कभी हाँ अच्छा सर का एंटोल देखा होगा क्या ऐसा एक्सप्रेशन ना हाँ दुनिया एक्सप्रेशन क्या है ना हमको तो क्या पढ़ा है मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्रेशन चाहिए क्या पढ़ा है अब ना अब कुछ बता दिए सेम वर्ड्स डिफरेंट जेस्चर्स और तो शिवांजलि बराबर में कुछ कुछ लोग का तो वैसे था क्या पढ़ा दिया ये डिसाइड किसने किया लड़की लोग उधर बैठे थे लड़की लोग ने कुछ ही आपके सबने देरा जमा लिया ऐसा लड़के लोग को ढकेल दिया इधर केतन बेचारा उधर गरीब जैसे उधर साइड में घुसर दिया उसको आगे बैठा करो केतन तो कुछ बोलेगा तो बोलो मेरे को डराने वाली लड़की आ गई है सब इधर बोले वो इतना जगह दिया फिर भी आदत पड़ी है ना उधर बैठने का दूसरी गोदी में बैठी वो ये बैग हटा लो ये कोई बुक्स ही है ना अरे आप नहीं भाई वो पीछे वाली हटा लो बैग अरे वो उठा के उधर ला दिया डेंजर हो गया इधर बैग में बुक्स ही है ना कोई लेके जाएगा उल्टा अपना भी डाल के जाएगा अरे सर ये लेके जाएगा चलो और एक क्वेश्चन करें ऐसा आती करो So write down. Now the relation between time t. The relation between time t and distance x is the relation between time t and distance x is t is equal to ax square plus bx ax square plus bx where a and b are constants where a and b are constants the acceleration is your options are dekho aisa a is minus 2a bv square option b is minus 2bv cube c is minus 2av cube and d is minus 2av square ye options hai aapke chalo try karna hai fara
हो गया चले जाना ना थोड़ा वो भाई सुनो घर पर बैठ के आराम से ट्राई करना ठीक है नहीं मैं छोड़ नहीं रहा हूँ मतलब बोला घर का नाम भी आप चेक कर लेना तो और लिखिए जल्दी नहीं नहीं आगे भी पढ़ना है ठीक है घर पर आराम से दो क्वेश्चन दिया है ना फिर रात लगाओ आराम से बैठो गूगल वूगल भी है अपना नेक्स्ट अभी देखो आपके बुक में लिख देना इंटीग्रेशन to talk about integration. Answer नहीं पता नहीं क्या बात है वो. नहीं minus two a d g. That is option C. Oh, that is wrong. वो भी है option में पर wrong है. बी क्यूब आना चाहिए देखो जरा ढंग से इधर पहुंचे हो क्या करके बैठ गए चलो ठीक है कल अभी करके आना ट्राई करो थोड़ा करके ठीक है नेक्स्ट इज अभी आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेशन सुना है कभी क्या होता है इंटीग्रेशन सुना है आपने सुना है पर याद नहीं है
सही ये अच्छा बोल रहा है तुमने काम आएगा बताइए इसमें आपके बारे में बराबर याद नहीं चलो देखो अभी ध्यान दें यहाँ पे इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन उल्टा जाते हैं इसे देखो ना फंक्शन भी वैसे ही काम करता है ना व्हाट आर वी डूइंग हियर आल्सो वर्क्स ऑपोजिट ना कैसे होगा देखो अभी ध्यान दें यहाँ पे पे अटेंशन दें आई टॉक अबाउट इंटीग्रेशन चलो इतना क्लियर है सबको दिस कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आई होप क्लियर है सबको अभी हमको इंटीग्रेशन की बात करना है फिर नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा वो सब कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो सब ग्राफ एंड वो सब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो भी है चलो इधर ध्यान दो अभी पे अटेंशन दीजिए चलो इंटीग्रेशन लिखना इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन It is inverse of differentiation. अभी ध्यान दे क्या पे अटेंशन यार सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड पे inverse of differentiation see how does it work ध्यान देना अभी यार एकदम सिंपल है अगर आपको डेरिवेटिव समझा होगा तो इंटीग्रेशन अपने आप आता हुआ समझ आता है now we know that if I take derivative of function of x so इसको solve करने पे I get समझ आना g of x ये सॉल्व मतलब एक चेंज होता है ना डिफरेंशिएटर तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम्स व्हाट जी ऑफ एक्स तो मैंने क्या बोला इनवर्स ना सो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स बोले क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझो सी डेरिवेटिव्स वर्क करता है किसी भी चीज को छोटे से बड़ा करने की बड़े से छोटा करने की हमने सेकेंड से पॉइंट पे है ना तो बड़े से छोटा एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना सो कहीं पे भी जब कुछ चीज बड़ी दी गई है उसको छोटे लेवल पे लाके सीखना है हमको छोटे लेवल पे लाके उसके बारे में सोचना है तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है कोई छोटी सी चीज दी हुई है और बड़ी चीज के बारे में सोचना है तो व्हाट डू वी डू इंटीग्रेशन मुझे कोई भी एक बॉडी के बारे में देख सोचना है मुझे कोई विषय स्पीयर के बारे में मुझे स्टडी करना है ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास ये सब तो हम पहले क्या करते हैं वो पूरा बॉडी कभी नहीं लेते ना उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं वो छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं फिर उसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन तो पूरे बॉडी का मिलता है ना सो डेरिवेटिव्स मींस टू ब्रेक है ना बड़े को क्या करना छोटा और इंटीग्रेशन मींस टू गेट इट टुगेदर छोटे से क्या करना बड़ा है अगर आपको बड़े बॉडी से छोटे पॉइंट पे आना तो डिफरेंशिएशन छोटे पॉइंट से बड़े पे जाना तो इंटीग्रेशन यस ऑर नो दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑल तो कहीं पे भी आपको फिजिक्स में ऐसा दिखे आपको कुछ फाइंड आउट करना है पूरी चीज के लिए फाइंड आउट करना है आप पहले हमेशा यही करते हो आप पूरी चीज के लिए फाइंड आउट करने नहीं जाते
आप हमेशा छोटे से पार्ट के लिए पहले फाइंड आउट करते हो. वंस यू गेट द थिंग्स फॉर द छोटा सा पार्ट देन यू इंटीग्रेट. ऐसा और और ये बहुत जगह पे यूज होता है इंटीग्रेशन. आपने देखा होगा फिजिक्स वाले पढ़ा भी होगा इंटीग्रेशन बहुत जगह पे यूज होता है ना. सो टॉक अबाउट स्मॉल पार्ट यू इंटीग्रेट यू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ इट है ना. सो करें वो ग्राफ ऑफ का भी डिस्कशन करते हैं हम. अभी ध्यान देना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू g of x of dx is equal to f of x. So see how does it work. Pay attention here. Now rules क्या होता है देखो. Rules of integration जैसे rules of differentiation. सबसे पहला rule यही है. Integration of x raised to n dx है ना. तो ये rule होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus है ना. यहाँ पर हम लोग c लिखते हैं और ये c को कहा जाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर है. वी राइट व्हाट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अच्छा कुछ नहीं है मतलब ठीक है. x रेस टू n dx ये कब यूज होता है पता है क्या. जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल यूज करते हैं. इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब कोई लिमिट नहीं है. बड़ा होते जा रहा है ना. आप छोटे से बड़ा करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते हो. देयर इज नो लिमिटेशन. बट फिजिक्स डजंट वर्क लाइक दिस. फिजिक्स में हमेशा लिमिटेशन होता है ना. इतने से इतना ही जाना है ना. मुझे वर्क करना है यहाँ से यहाँ. मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है यहाँ से यहाँ. मुझे ये चीज करनी है यहाँ से वहां है ना. सो मोस्टली फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन यूज करना दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल. क्या यूज करते हम लोग. डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब ये होता है डेफिनेट ऑलवेज वर्क्स अंडर बाउंड्री कंडीशन. कि यहाँ से यहाँ ही चाहिए मुझे. वॉल्यूम को ए से 5 ही करना है. प्रेशर को पी से 10 पी ही करना है. यस और नो. इसके बीच में इंटीग्रेशन करो. तो दिस इज व्हेन यू हैव अ बाउंड्री लिमिट सेट व्हेन यू हैव अ बाउंड्री कंडीशन सेट यू कॉल इट एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन. रूल्स आर द सेम. खाली क्या लग जाता है बाउंड्री लिमिट लग जाता है. एंड इनडेफिनेट में कोई बाउंड्री लिमिट नहीं होता. वो कहीं से कहीं भी जा सकता है. तो इसलिए आगे प्लस सी आता है. प्लस सी हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इनडेफिनेट है ना. वो इन्फिनिटी तक जा सकता है और हम प्लस सी लिख के उसको डेफिनेट कर देते हैं. यहाँ यहाँ पे रोक दे रहा है. यहाँ है ना. दैट्स व्हाई वी राइट व्हाट प्लस. क्लियर है ये. सो अभी हम जो रूल्स देख रहे हैं वो इनडेफिनिट के टर्म्स में देख रहे हैं. डेफिनेट हो जाएगा तो प्लस सी निकल जाता है. बट रूल्स में जैसे सिर्फ क्या आ जाता है लिमिट आ जाता है. और लिमिट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट टू वो सब कैसे करते बताऊंगा ठीक है ये. तो चलो ठीक है. सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सेकेंड रूल बोलो क्या होगा. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स किया तो वह क्या आएगा. ई रेस टू एक्स ना क्या चेंज होने वाला है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर कंसिडर किया. थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट है ना. वहां पे क्या होता था जीरो. डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता था जीरो. यहां पे ऐसा नहीं. यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है बाहर जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा ना. कुछ नहीं है मतलब वन ना. एंड वन कैन बी रिटर्न व्हाट x रेस टू जीरो. वन कैन बी रिटर्न व्हाट x रेस टू जीरो. अब ये रूल अप्लाई करो. सेम हो गया ना ये. जहां पे n का वैल्यू क्या है जीरो. अप्लाई करो क्या होगा. तो दिस बिकम्स इन टू एक्स रेस टू जीरो प्लस वन. क्या बोलते हो. तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट इन टू एक्स प्लस सी. क्लियर है ये. क्या है तो कुछ नहीं होगा. सिर्फ ऐसा भी है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो कुछ नहीं. मतलब क्या लिखो यहाँ पे वन और वन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स. हेलो यहाँ पे ये भी लिख दो अगर आपको चाहिए. ये इफ आई टेक इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स व्हाट डू आई गेट एक्स प्लस सी. क्लियर है ये. सबको याद रहेगा क्यों आया. बिकॉज वन कैन रिटर्न व्हाट एक्स रेस टू जीरो एंड यू विल गेट दिस आंसर. क्लियर है. हेलो हेलो हेलो. दिस हाउ इट वर्क्स. दिस आर सम सिंपल रूल्स. वेरी सिमिलर ही है ना. अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं. अगर डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला याद है तो इसका अपने आप याद हो जाएगा. ये देखो फटाफट खत्म हो जाएगा.
स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो फर्स्ट, अभी देखो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखता हूं यहां पे मैं, फिर आप कंपेयर कर करके इंटीग्रेशन खुद से लिख सकते हो। देखो डेरिवेटिव का क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, सॉरी कॉस एक्स है ना, सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या था, बोलो यार सिक्स बाय एक्स ना, फोर्थ क्या था, क्या था क्या बोलते हो बराबर है, और लास्ट क्या था, क्या भाई क्लियर है ये। अब सब धड़ाधड़ उल्टा करते आएंगे ये रूल फॉलो करके, ऐसा और ना हो इंटीग्रेशन में क्या होगा। फर्स्ट इज ये डी बाई डी एक्स इधर आएगा तो इंटीग्रेशन ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, लेते जाओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, माइनस को भी उधर लेके आएगा, माइनस को राइट हैंड साइड पे रहने देने का कुछ नहीं करने, ये इधर ना वो दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो समझ रहा है क्या कर रहा हो, हेलो माइनस इधर उधर रखो, थर्ड इंटीग्रेशन को इधर लाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी बराबर है। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा, क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, हाँ बराबर है। और लास्ट क्या है, ये क्या होगा, सही है ये, दिस आर द रिजल्ट्स, फाइन क्लियर है, सही है ये। बोलो वहां पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था, 1 बाय एक्स, इधर होगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, हेलो सही है। चलो पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बताओ, समझ आ रहे कैसे क्या प्रॉब्लम, डेरिवेटिव आपका पता है हल्का हो जाता है थोड़ा, चलो हो गया नहीं 7 बजा देना भी आराम से, आज भी रहा ऊपर से छोड़ो।
तो पूरा वेस्ट है ना पागल है ना वेस्ट है ना नहीं यार छोड़ दूँगा हो गया अभी तक तो ना सॉरी चेंज जाओ खुश रहो दुश्मनी मतलब तेरे से क्या दुश्मनी करूँगा सीसीटीस पर नाम दे रहे मेरा आवाज थोड़ी वो है फोन पढ़ा रहे जगह आवाज बात चला रही नहीं जानते लोग क्या है करने के मुंडी डेंजर डेंजर सर में रख के आते हैं श्रेया मुंडे इधर तो कोई मुंडी आ रही है सर पर श्रेया मुंडे पेशेंट पहले ही डर जाता है नाम सुन के हाँ छोड़ दिया भाई ये क्या कर रहा है ऐसा किधर जा रहा है तेरे को खुद को नहीं मालूम क्या किधर किधर ब्लॉक होता है तुम्हें नाम क्या नाम भूल गया मैं आदित्य 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 क्या खेला जा रहा है तू कौन है पकड़ा था इलेवन ना वो तेरा कुछ कंप्लीट नहीं था वो खत्म है लपेट में आया था ये कंप्लीट था सर का कंप्लीट था बोलो ना बोर्ड बोर्ड कंप्लीट था सर उसके बाद तू लाया ना कंप्लीट करके ये पता है कि नहीं ये पता है कि नहीं ये बता ना भाई सब याद है सब स्क्रीन सब लपेट में आया एक ना एक बार बोलो कुछ ये तो क्या अकाउंट टाइम आप लोग चलो ऑनलाइन में थे ना जब थोड़े बहुत लोग बच गए थे अभी से एलेवन करो पूछो और बैठ के खूब गाली देते रहेंगे ना हम लोग स्टडी आवर्स में हैरान करके छोड़ा मेरे को चलो हो गया तो क्या लिख रही हो भाई यार फॉर्मेट में कितना टाइम इसको अलग अलग कलर यूज करना है ना आते के नहीं एक पेन लेके आने का टेंशन नहीं घुमा घुमा आधा इन्वेस्टमेंट आपको उसमें चला गया घर वालों को वही टेंशन होता है वापस नया खरीद लो यार Thank you.
चलो हो गया क्या? नहीं जगह से वहां पे ये फॉर्मूला लिख देना सभी यहाँ पे ना अभी अभी ऐसा आता है अभी इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x ऐसा लिखा कॉस 2x dx लिखा तो क्या आएगा इधर कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन वो सब का कुछ नहीं रहता है सीधा सीधा करने का देखो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2x और नीचे जो भी इसका ये रहेगा ना आगे वाला कोएफिशिएंट नीचे लिख दिया तो साइन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x क्या है साइन 2x अपॉन 2 यस और नो ऐसा लिख देगा चलो नेक्स्ट अगर मैं लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या लिखोगे माइनस पावर ये कोएफिशिएंट किधर नीचे समझाइए दिस इज द वे यू राइट सही है पक्का चलो अगर मैंने ऐसा लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी हाँ वेरी गुड लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बोलो आप ऊपर नीचे क्या लिखे ए ना अरे कोएफिशिएंट ना उसका हेलो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स आया तो क्या लिखूंगा अपॉन ए प्लस व्हाट सी समझ में आ रहा है हेलो दिस इज द वे सॉल्व करना सबको क्लियर है ये चबी इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर चलो फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे करोगे Thank you.
x cube minus log x plus c by 3 x cube minus log x by 3 plus c Thank you.
x square by 2 minus log x चलो हो गया ये क्या आया x plus c मेरे मित्र को पता चला इतना नल्ला क्वेश्चन है ये देख इंटीग्रेशन ऑफ x को सेपरेट कर देते क्या आ जाएगा x माइनस खत्म हो गया क्या बचा था रिजल्ट अभी और क्या जिंदगी में क्या चाहिए और बोल x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 है ना प्लस क्या क्या था इसमें क्या बोलेगा वो मेरे को ऐसा हो रहा था मेरे को ऐसा बना था कुछ तो हो रहा था तो हो गया और देखो लास्ट एक पॉइंट बता दूंगा कल ये सब याद करके ना फॉर्मूला मुंह था क्या मत जाना अपना सारा वो बोलो अभी x है अगर मेरे पास आई वांट टू गो टू वेलोसिटी व्हाट शुड आई डू शर्मा क्या बोलो बोलो ना क्या होगा हम लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना चालू करना चाहिए क्या होगा है ना अगर डायरेक्टली एक्स टू ए जाना है तो क्या बोलते हो अभी इधर से इधर जाना तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा मैं ए डी टी ना विच इज व्हाट बी ना फिर यहां से आ जाऊंगा तो दिस व्हाट और डायरेक्ट गया तो डबल इंटीग्रेशन दो बार इंटीग्रेशन हाँ ना समझ गया ये लिखते रखना कल इसी से शुरू करेंगे अरे बता संडे को ना भी लेक्चर